हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप जो डॉग देख रहे हैं ये टिबियल फ्रैक्चर है इसमें, और खास बात यह है कि जो फ्रैक्चर है वो अलाइनमेंट में है, अपनी जगह है, अलग नहीं हुआ है, और जो टिबिया के पास वाली बोन है वो बिल्कुल सही है। इसलिए हमने इसको डिसाइड किया है कि हम इसको फाइबर कास्टर से सही कर देंगे और इसका फाइबर कास्ट लगा रहे हैं। अब फाइबर कास्टर लगाने में क्या ध्यान रखना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट तो हम कोई भी फ्रैक्चर अगर हम रिपेयर करते हैं या उसकी प्रोसीजर करते हैं तो जो उसका अफेक्टेड पार्ट होता है वो डॉर्सल साइड पर रखना रहता है, तो डॉर्सल साइड में रखो। और एक जो है अफेक्टेड लेग वगैरह है तो उसका जो लास्ट पोर्शन होता है उस पर हमें एक बैंडेज से ट्रैक्शन देना पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें ट्रैक्शन देने के बाद इसकी जो प्रोसेस है वो बैंडेजिंग की वो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि वो डायरेक्ट लगाने से कॉटन में थोड़ा सा चिकनापन होता है, स्मूथनेस होती है, तो खिसकने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले कॉटन लगाने से पहले एक लेयर जो है वो बैंडेज की बनाता हूँ ताकि कॉटन उसके ऊपर अच्छे से रुक जाए और नीचे नहीं खिसक सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ह्यूमन में तो आप बोल दो तो एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन एनिमल मूवमेंट बहुत करता है। तो जो भी हम लगाते हैं, प्रोसीजर करते हैं या जो फाइबर कास्ट लगाते हैं, पीओपी लगाते हैं, तो वो नीचे खिसकने का डर या खतरा बहुत बना हुआ रहता है कि वो अपनी जगह से नीचे आ जाता है। उसको हम प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेजर रखते हैं, लार्ज एनिमल में अलग है, स्मॉल एनिमल में। तो इसमें मेरे द्वारा ये किया जाता है कि फर्स्ट हम कॉटन बैंडेज लगाते हैं, उसके ऊपर हम कॉटन लगाएंगे ताकि कॉटन अच्छे से उस पर स्थिर हो सके। और कॉटन लगाने के पश्चात जो है वापस हम कॉटन बैंडेज लगाएंगे। तो ये जो है कॉटन लगाया जा रहा है, बैंडेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉटन की जो बैंडेजिंग है बहुत ही अच्छे से करें, कोई ऐसे एक्सट्रीमिटी नहीं बरते जहाँ इंजरी होने का खतरा हो, तो प्रॉपर लगाना रहता है इसमें। और ये ध्यान रखने की बात है कि जो कॉटन है वो टुकड़े में नहीं हो, रोल में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर टुकड़े में होता है तो थोड़ा सा उसमें गैप बन जाते हैं और अच्छे से अपनी जगह फिक्स नहीं होता है कॉटन। तो ये बिल्कुल रोल के साथ लगा रहे हैं और रोल के साथ ही लगाना है, और एनिमल को मिनिमम पेन हो वो भी ध्यान रखना है हमें, तो बिल्कुल ही इसमें अलाइनमेंट चेंज नहीं हो और कॉटन अच्छे से लगे। ये कॉटन लगा रहे हैं, जो एक्सट्रीमिटी होती है या जहाँ पे एंड भाग होता है वहाँ पे थोड़ा सा कॉटन ज़्यादा लगाना रहता है क्योंकि वहाँ पे इंजरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और जब हम फाइबर कास्ट लगाते हैं उसमें कॉटन ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि जब हम कास्ट को काटेंगे तो थोड़ी सी गैप की जरूरत पड़ती है। तो प्रॉपर कॉटन लग चुका है इसका, अब इसके पश्चात हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो वापस बैंडेजिंग करेंगे। बैंडेजिंग बिल्कुल अच्छे से टाइट की जाती है, और बैंडेजिंग में भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि लोअर पार्ट से अपर पार्ट की ओर जाते हैं। बैंडेजिंग हो, कॉटन हो, पीओपी हो या फाइबर कास्ट है, उसका बेसिक ही ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। वेनस अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो वेनस कंजेशन बहुत हो जाता है, इसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जब भी हम कोई पीओपी लगाते हैं, फाइबर कास्ट लगाते हैं, तो लोअर साइड से अपर साइड की ओर जाते हैं। ऐसे ही है, हम अगर अपर साइड से लोअर साइड की ओर आ जाएंगे तो उसका डिसएडवांटेज ये रहेगा कि वेनस कंजेशन हो जाता है, और वेनस कंजेशन के कारण स्वेलिंग आ जाएगी और आपका जो भी प्रोसीजर किया वो आप फेल हो जाओगे। अब बैंडेजिंग हो गई, उसके पश्चात जो फाइबर कास्ट है उसको हमने वाटर में डीप किया है। वाटर में डीप करने के पश्चात इसको बहुत ही फास्ट रोलिंग कर रहे हैं, फ्रैक्चर साइड पे लगा रहे हैं। इसको फास्ट करने का ये है कि ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है और टाइट हो जाता है। अगर आपने धीरे से किया तो आपको प्लास्टर पूरा लगाने से पहले ही आप इसमें ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा और आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए बहुत ही स्पीड से किया जाता है कि
सूखने से पहले ही हमें इसको लगा दिया जाता है। तो ये लगा रहे हैं हम, इलास्टिसिटी भी रहती है थोड़ा सा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा टाइट करते हुए चलते हैं। इलास्टिक ज़्यादा होता है और पीओपी जो होता है वो उतना इलास्टिक नहीं होता है, और लगभग कोई एडर हो जाता है, एडेशन हो जाता है उसका। तो ये इलास्टिसिटी के कारण भी एक अच्छा सा पकड़ बनाता है। और इसका जो है खासियत ये रहती है कि इसमें वेट बहुत ही कम होता है, जैसे दूसरे कास्ट हैं पीओपी वगैरह हैं तो उसमें वेट होता है। वेट होने से क्या है कि वो वजन पशु सह नहीं पाता है और उठाने में असमर्थ होता है, क्योंकि पशु का मूवमेंट नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम लार्जन ये ह्यूमन में बोल देते हैं कि यार आप हिलना नहीं, तो वो पॉसिबल है लेकिन। और दूसरा ये है कि अगर ये मूवमेंट करता तो इसको हम अलाइनमेंट के साथ में इसका जो पैर का है डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते ताकि जो फाइबर लगाया है वो नीचे नहीं आए। और तो देखिए थोड़ा सा उसका चेंज कर दिया। अब ये हम लगाने के बाद उठा रहे हैं और उठाने के बाद में बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ही 8-10 दिन से 15 दिन में बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लग चुका है और अभी ये करीब 5-6 दिन बाद वेट लेने लगेगा। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है लगाना, और लगाने के पश्चात ये जो है ये पीओपी कट करने के बाद में इसकी गैट बिल्कुल ही नॉर्मल है, और इसकी जो बोन टूटी थी वो पूरी तरह जुड़ चुकी है और अब बहुत ही अच्छा हो गया है। जैसे पहले चल रहा था इस प्रकार का चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।